नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा हमने आपको अपडेट दिया था कि साहिबगंज के डीएमओ का बयान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड में अगर कहीं अवैध खनन होता है तो सबसे अधिक साहिबगंज जिला में ही होता है। तो वहां के डीएमओ विभूति कुमार जो अभी भी अंदर मौजूद है और पूजा सिंघल भी अंदर मौजूद है, कल उनका बयान दर्ज किया गया। वैसे देखने को एक बहुत अनोखा चीज़ मिला कि वो आए थे स्कूटर से और उन्होंने थम्सअप भी दिखाया था मीडिया लोगों को, लेकिन ईडी का नज़र पड़ते ही उन पर उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। आपको बता दें उनके पास कई महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, लेकिन यहां वो स्कूटर से आए। यानी दुनिया को दिखाना था कि मैं बहुत साधारण हूं, लेकिन ईडी के अधिकारियों को चकमा देना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। इसके साथ ही कई सारे सवाल उनसे पूछे गए, जैसे 4 साल से वो इतने दिनों से पोस्टेड क्यों है, उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ। इसके साथ ही अवैध स्टोन चिप्स जो बांग्लादेश गंगा नदी के तहत ले जाया जा रहा था वो अचानक डूब गई, इन सारे सवाल पर वो चुप्पी साधे रहे, उन कोई जवाब नहीं दे पाए और ईडी भी संतुष्ट नहीं दिखी। इसके साथ ही एक मामला और आया, ईडी ने उनसे ये सवाल किया कि लगातार वो मीडिया में ये बयानबाजी कर रहे हैं कि बार बार आप मीडिया में ये क्यों कहते हैं कि आपको 15 दिन के लिए नोटिस भेजा गया है, आपको समन नहीं भेजा गया, इस तरह की। तब उन्होंने मीडिया को ही फंसाते हुए कहा कि मीडिया बहुत सवाल जवाब करती है, मैं परेशान होकर मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो इस तरीके से वो हर बात को गोल मटोल घुमा घुमा के ईडी को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें आज भी पूछताछ के लिए रखा गया है। पूजा सिंघल को उनके सामने बैठाया गया, ये भी पूछा गया कि क्या आप पूजा सिंघल को जानते हैं, उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उनके किसी भी जवाब से ईडी संतुष्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी है। आपको बता दें पूजा सिंघल का जो रिमांड है वो 31 मई तक तो है, उसके बाद शायद उन्हें जेल जाना पड़े, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले मेडिकल ऑफिसर्स आए हैं उनका चेकअप करने के लिए, और खासकर बीपी का मशीन उनके हाथ में था। आपको बता दें कि पूजा सिंघल के डॉक्टर से भी हमने बात की है जो लगातार उनकी चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि पूजा सिंघल को कोई बीमारी नहीं है, उनको बीमारी इस बात की है कि ईडी का जो सवाल है वो उनको चुभता है, और जब चुभता है तो उनका बीपी, ब्लड प्रेशर, थायराइड सब हाई होने लगता है। इसके साथ ही ऐसे तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए जीएन भारत के साथ, हम ईडी ऑफिस के बाहर और पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।